हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टैनिंग रिमूव करना बताऊंगी और ऐसी चीज़ से बताऊंगी जो आपके किचन में ही अवेलेबल होता है और हर घर में होता है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विंटर्स आ रहे हैं और विंटर्स में आपको पता है हम लोग धूप में बैठते हैं तो स्किन ज़्यादा टैन हो जाती है। धूप की जो किरणें होती है वो डायरेक्ट स्किन पे पड़ती है और हम लोग धूप में बैठते भी है ठंड के कारण। तो ऐसे में आप अपनी टैनिंग को कैसे रिमूव करें, टैनिंग कैसे रिमूव करें ये बताऊंगी। और किस चीज़ से, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए जो हर घर में अवेलेबल होती है। सबसे पहले आपको कच्चा दूध चाहिए, मैंने इस बाउल में ले रखा है। दूसरा जो है टमाटर को तो नेचुरल क्लिंजर ही माना जाता है। टमाटर जो है क्लिंजर का काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फेस क्लीन करना है, मतलब वॉश करना है या क्लिंजर से फेस को क्लीन करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब मैं ये जो कच्चे दूध को, कच्चा दूध मतलब कि जिसे उबाला ना गया, गर्म ना किया, वो कच्चा दूध है, पैकेट से लिया और थोड़ा सा अलग आपने रख लिया, इसको पूरे फेस पे ऐसे लगाऊंगी मैं। इस तरह से आपको लगाना है पूरे फेस पे जैसे मैंने लगाया है। 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद मैं जो है टमाटर को कट करके इसका पीस लेके पूरे फेस पे रब करूँगी। ये इतना अमेजिंग है कि आपको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में अवेलेबल होती है, तो आप विंटर्स में इस तरह से जो है स्किन को टैन होने से बचा सकती हैं। और किसी किसी की स्किन की टेंडेंसी ऐसी होती है, वो बहुत जल्दी टैन हो जाती है, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला ट्रिक जो है आप अपना सकती हैं, जिससे जो है आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग रहेगी। और टमाटर तो नेचुरल क्लिंजर ही माना जाता है। और ये ब्लैमिसेस हो गए, डार्क सर्कल हो गया, फेस पे स्पॉट्स हैं, किसी चीज़ के निशान हैं, अगर आप ये रेगुलर करती हैं तो वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाए। वो चीज़ें एक साथ, किसी डस्की से स्किन है तो वो थोड़ा सा उसकी स्किन एकदम क्लियर लगेगी, थोड़ा सा फेयर सा लगेगा। तो आप इस तरह से आप ये कर सकती हैं। 2 मिनट वेट करूँगी, वेट करने के बाद जो है मैं आपको टमाटर कैसे लगाना है वो बताऊँगी, वो भी बहुत ही ईजी है। अब ये 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इस टमाटर को मैंने वॉश कर लिया है, इसको कट करूँगी। कट करने के बाद एक पीस लेके पूरे फेस पे से रब करूँगी। ले लिया है, अब इसे मैं पूरे फेस पे रब करूँगी। अब मैं इसे तब तक रब करूँगी जब तक इसमें जो जूस है और पल्प है अच्छे से पूरे फेस पे लगना जाए। फेस पे अभी ये लग चुका है, 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। 10 मिनट बाद वॉश करूँगी प्लेन वाटर। अब ये 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे तो आप ऐसे रब करके इसको निकाल सकते हो, जिससे टैनिंग भी साथ साथ रिमूव हो जाएगी। इसके बाद जो है वॉश करना है। वॉश करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। मैंने फेस भी वॉश कर लिया है। मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, अगर दूध यूज़ करती हैं तो आपको हल्का सा लिक्वॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हल्का गुनगुना पानी, इस गुनगुने पानी से जो है फेस वॉश करना पड़ेगा। मैंने जो है फुल क्रीम यूज़ किया था तो मुझे हल्का सा गुनगुने पानी से फेस वॉश करना पड़ा। और हार्डली 15 मिनट का ये प्रोसेस है। और आप डेली इस तरह से क्लीन लग रहा है और छूने में भी बहुत सॉफ्ट लग रहा है और नोज थोड़ी सी शाइन कर रही है। इस तरह से जो है आप अपनी स्किन की टैनिंग को रिमूव कर सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।